तो बात करेंगे राहु शुक्र और मंगल की युति के बारे में। राहु शुक्र और मंगल की एक ऐसी युति है जिसमें दो क्रूर ग्रह एक अत्यंत शुभ ग्रह के साथ युति में स्थित होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा काम वासना की तरफ ये युति लेकर जाती है। इतना ही नहीं, ये आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी बनाती है। लेकिन अक्सर इस प्रकार के जातकों को देखा गया कि वो गलत कार्यों की तरफ ज़्यादा आसक्त होते हैं, वो गलत कार्यों में ज़्यादा लिप्त होते हैं। अब जब भी शुक्र के साथ इस प्रकार से राहु आएगा तो यहाँ पर मंगल का साथ भी है, तो एक विस्फोटक युति इसको हम बोल सकते हैं। विस्फोटक किस मामले में? शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के मामले में, क्योंकि एक तरफ तो राहु वैसे भी मल्टीप्लाई कर देता है शुक्र की चीज़ों को, और दूसरी तरफ मंगल है जो कि बिल्कुल एक ऐसा ऑब्सेशन, ऐसी आग लगा देता है जिस वजह से जातक शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कि भौतिक सुख को प्राप्त करने में, लग्जरियस चीज़ों को प्राप्त करने में, यौन सुख प्राप्त करने में, और मल्टीपल रिलेशनशिप में जातक को इस प्रकार से लेके जाता है। ये वो युति है जिसमें आप अक्सर अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप अक्सर देखा जाए तो लग्जरी की तरफ ज़्यादा झुके हुए होते हैं, आप एक अलग लाइफ स्टाइल वाले होते हैं, और कुछ गलत आदतें आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये जो युति है वो मुख्य रूप से यौन सुख की तरफ तेज़ी से लेके जाती है, और सेक्सुअल चीज़ों को लेके जो भी गलत धारणाएं हैं या जो गलत चीज़ें हैं, जो काम बिल्कुल बैन हैं, जो अवैध हैं, उनकी तरफ लेके जाती है। साथ ही साथ इस प्रकार के जातक में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे कि सौंदर्य को या और भी बहुत सारी जो कलाएँ हैं, कुछ टैलेंट हैं, उनको प्राप्त करने में जातक काफ़ी अच्छा होगा। तो जातक में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा, इस प्रकार के जातक फेमस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अक्सर ये जो फेमस होते हैं वो गलत कार्यों को करके होते हैं। इसी प्रकार से ये वो युति है जो जातक को यौन अपराध की तरफ लेके जाती है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो रेप वगैरह और इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा इस प्रकार के केसेस हमारे पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आते रहते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सज़ा भी ये लोग भुगतते हैं, काफ़ी लंबी लंबी सज़ा और काफ़ी कठोर सज़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मंगल साथ है, और जब भी राहु और शुक्र के साथ मंगल आएगा तो फिर आपको कष्ट जरूर होगा इस प्रकार का काम आपने किया हो तो। अब अगर इस युति पे शनि का एस्पेक्ट भी पड़ जाए, शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, तो फिर आपको कुछ हद तक ये सारी चीज़ें डिले से मिलेंगी, शुक्र से रिलेटेड चीज़ें डिले से मिलेंगी, और फिर जो राहु यहाँ पर एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है उसमें कुछ हद तक रुकावटें आ सकती हैं, या वो ऑब्सेशन थोड़ा धीमा पड़ सकता है आपके अंदर। इसके अलावा शुक्र और मंगल यहाँ पर जातक को कोई भी ऐसा हद तक ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसी हद पार करवा सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो। साथ ही ये जीवन में किसी भी टारगेट को अचीव करने, किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए भी एक अच्छी युति है, क्योंकि शुक्र और मंगल साथ हैं, और शुक्र से रिलेटेड चीज़ों को अगर आपको प्राप्त करना है, यानी जीवन में यौन सुख प्राप्त करना है, भौतिक आनंद प्राप्त करना है, जीवन को सौंदर्य के साथ जीना है, धन वैभव के साथ जीना है, और काफ़ी अच्छा लग्जरियस चीज़ों के साथ आपको जीवन को इंजॉय करना है, तो इस प्रकार की युति आपका साथ भी देती है कहीं ना कहीं, और आपको एक पुश करती है ये युति आगे की तरफ। बट इस प्रकार की युति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अक्सर। अगर इस प्रकार की युति किसी के भी लगन सप्तम, पंचम या फिर अष्टम या फिर बारहवें भाव में बन रही हो, तो इस प्रकार के जातकों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस प्रकार के जातक पॉर्न की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, और वो गंदे कार्य, गंदी चीज़ों को देखते हैं, करते हैं ये सब। तो अगर ये युति है तो आपके ऊपर आपका खुद का कंट्रोल भी नहीं होगा, और आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से आपको ऑब्सेस्ड किया जाता है इन राहु और मंगल दोनों ग्रहों के द्वारा कि आप इससे बच नहीं सकते, और आप अंधाधुंध रूप से आप एकदम आंखें बंद करके आप कूदेंगे शुक्र से रिलेटेड चीज़ों में। तो आप अचीव जरूर करेंगे, लेकिन वो जो आपका तरीका है अचीव करने का, जो आपका काम करने का तरीका इसमें, वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है। इस प्रकार की युति अक्सर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में तो लेके जाती है, साथ ही साथ ये डिवोर्स की तरफ भी सडनली लेकर जाने वाली युति है।
इसके अलावा जातक को यौन सुख प्राप्त करने की ऐसी भयंकर इच्छा इस युति में डेवलप होती है जिसको आप कोई कुछ नहीं कर सकते, यानी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो एक ऐसी प्यास है आपकी यौन संबंधों को लेके जो कभी भी बुझेगी नहीं। तो इस प्रकार की युति आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करेगी। जीवन में अक्सर आप ये गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो काफ़ी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कार्यों की वजह से आपकी बदनामी भी हो सकती है। शुक्र यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा क्लोज है राहु और मंगल के। अब ये जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही इस युति में आपके आपका जो है यहाँ पर बदनामी होने का चांस या आपके बदनाम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपके इन चीज़ों का एडिक्शन लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आप एडिक्टेड होंगे बिल्कुल शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए। इस प्रकार के जातकों का जो जीवन साथी होगा, जीवन साथी इनके साथ चीटिंग कर सकता है, क्योंकि शुक्र साथ है तो फिर आपका जो जीवन साथी है वो भी काफ़ी इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो सकता है। अब यहाँ राहु साथ हैं और मंगल भी साथ हैं तो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक स्थिति बन जाएगी आपके जीवन में, और आप जल्दी से जल्दी शुक्र वाली चीज़ों का भोग करना चाहेंगे, आप उनको प्राप्त करना चाहेंगे, आप इसके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। तो अगर आप इसमें गलत कार्य अपनाते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं, काफ़ी सडनली आप प्राप्त करने को चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब डिपेंड करता है ये युति आपके कौन से भाव में बन रही है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के ये युति 10th हाउस में बन रही है तो उसको नेम फेम मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे, उसमें एक्टिंग की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी वो सिनेमा जगत में बहुत अच्छा कर सकते हैं।